हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप ओल्ड जीन्स को रीयूज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ आप बहुत ब्यूटीफुल बैग क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है जीन्स का फैब्रिक। मैंने हाफ जीन्स का एक बैग ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है जिसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसका जो रिमेनिंग फैब्रिक है उससे मैं एक स्लिंग बैग तैयार करूंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इतना रिमेनिंग फैब्रिक था। जो साइड की सिलाई होगी, जो भी स्टिचेस होगी, उसे हम कट कर लेंगे एक साइड के जीन्स की। तो इसे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लें। स्प्रेड करने के बाद जितना लंबा एंड जितना चौड़ाई का आपको बैग चाहिए आप उतना मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चौड़ाई रख रही हूँ 14 इंच की एंड लंबाई रख रही हूँ 24 इंच की। इसी तरीके से मैं एक रेक्टेंगल पीस कट कर लूंगी 14 एंड 24 इंचेस का। यहाँ पर मैंने इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मैं इसे सिंपली कट कर लूंगी। कट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्विल्टेड बैग बना रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर चाहिए होगा एंड एक फैब्रिक चाहिए होगा। सेम साइज का दोनों मैंने कट कर लिया है। इन्हें भी एक के ऊपर एक इसी तरीके से रख लेना होगा। रखने के बाद यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लैंट स्टिचिंग कर लूंगी इस तरीके से एक साइड से एंड देन दूसरे साइड से भी वन मोर स्लैंट स्टिचेज हमें करनी होगी। एक नॉर्मल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा इससे एंड हमारे बैग को एक अच्छा लुक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिलाई दे दी है। सिलाई देने के बाद अब हमें चेन लगाना होगा। तो चेन को हमें उल्टा तरफ रखना होगा, चेन को पलट के रखना होगा, इन द सेंस उल्टे तरीके से हमारे कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े के सीधे तरफ चेन को उल्टा रखते हुए ऊपर से एक सिलाई दे दिया है एक साइड से। सो गाइज, इसी तरीके से मैंने एक साइड से सिलाई दे दी है। अब दूसरे साइड पे सिलाई देने के लिए हमें इसे पलटना होगा एंड इस तरीके से हम यहाँ से भी सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, जैसे कि मेरी चेन थोड़ी सी छोटी है तो वहां तक भी मैं सिलाई दे दूंगी। अब दोनों साइड्स पे हमें कपड़ा अटैच करना होगा, जिसके लिए जो हमारा जीन्स का बचा हुआ कपड़ा है उसे 4x9 इंच हम कट कर लेंगे। 4 इंच की चौड़ाई एंड 9 इंच की लंबाई, इसे मैं कट कर लूंगी। ऐसे ही हमें दो भाग कट करना होगा। तो यहाँ पर मुझे दो पीसेस मिल चुकी है। अब इन्हें फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक थोड़ा सा कर्व क्रिएट करेंगे। तो इसे एक के ऊपर एक रख के हम फोल्ड करेंगे एंड 2 इंच की गहराई पे हमें कर्व शेप कट कर लेंगे। अब इसे हम हमारे बैक के साइड्स पे लगा लेंगे। बैक के साइड्स पे लगाने के लिए जो उल्टा तरफ है वो बाहर की ओर होना चाहिए एंड सीधा तरफ अंदर की ओर होगा इस तरीके से। एंड देन सिलाई दे देंगे। नीचे चौड़ाई पे भी सबसे पहले सिलाई देंगे, फिर हाइट पे सिलाई देंगे। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा कट करके सिलाई दे दें। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम सिलाई दे देंगे। सो गाइज, दोनों तरफ सिलाई देने के बाद हमारा ये बैग तैयार हो चुका है। इस तरीके से ये नजर आएगा। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़े से पर्ल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जहाँ पर हमारे धागों की मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर मैं पर्ल्स ऐड कर लूंगी यहाँ पर। अगर आप क्विल्टेड बैग नहीं बना रहे हैं तो आप बैग के ऑल ओवर पैचेस लगा सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर पर्ल्स लगा लिया है। अब इसकी स्ट्रिंग की जरूरत होगी। तो स्ट्रिंग के लिए आप जीन्स का बचा हुआ कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो कोई भी बैग की चेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं एंड साइड्स दोनों साइड पे आप सिलाई दे दें। चेन लगाने के बाद बैग को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर कीचेन का इस्तेमाल किया है। तो कीचेन को मैं यहाँ पर इसे लगा लूंगी। ये कीचेन मैंने खुद घर में प्रिपेयर किया है सिल्क धागे के साथ एंड सैटन रिबन के साथ, जो बहुत इजी था बनाना। इसे मैं इसके साथ अटैच कर लूंगी एंड हमारा ये स्लिंग बैग तैयार हो चुका है। बहुत ही क्विक था इसे बनाना, प्लस बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। एंड एक और बात, एक ही जीन्स के साथ हमने दो बैग तैयार कर लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। सो गाइस,
गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।